वेलकम बैक टू वर्किंग थाट्स ये रीजनिंग का सेशन है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तो पहला क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का इसमें कह रहा है कि सेल्फ्स को जो किस तरह लिखा गया है कोड करके फोर्टीन लिखा गया है टर्निंग को भी फोर्टीन लिखा गया है तो रिड्रेसिंग को क्या लिखा जाएगा ठीक है तो यहाँ के जैसे देखते हैं सेल्फ्स में कितना है एस एच ई एल वी ई एस सेल्फ्स तो सेल्फ्स में देखिए कितने हैं सात लेटर है ठीक है सात को अगर हम दो से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा फोर्टीन आ जाएगा ये फोर्टीन उसी तरह यहाँ पर टर्निंग देखिए टी यू आर एन आई एन जी टर्निंग है टर्निंग में भी सात लेटर है सात को हम दो से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर्टीन आ जाएगा टर्निंग के लिए फोर्टीन कोड दिया है रीड्रेसिंग है आर ई क्या है डी आर ई एस आई एन जी एस आई एन जी तो इसमें कितना लेटर है चार और नौ है ठीक है इसमें कितना लेटर है नौ लेटर है नौ गुने दो कर दिए तो अट्ठारह लेकिन यहाँ पर अठारह कहीं है क्या ऑप्शन में है ही नहीं तो ये ऑप्शन फेल हो जाता है ठीक है ये लॉजिक फेल हो जाता है अब देखिए कि यहाँ पर जो है दो से गुना करने का कोई तो लॉजिक होगा ये लॉजिक तो नहीं है कि नंबर ऑफ लेटर्स को जो है दो में फेल कर गया पहला वाला में सही हो गया सेल्फ्स के लिए टर्निंग के लिए भी सही हो गया लेकिन रिडेसिंग के लिए गलत हो गया कि इसको नंबर ऑफ कितना लेटर है काउंट कीजिए उसको दो से गुना कीजिए तो सात तो लेटर है लेकिन इसमें देखिए आप दो क्या चीज़ है दो जो है इसमें एक ई ये हो गया एक ई ये हो गया यानी कि दो भवेल है इसलिए दो से गुना किए ये लॉजिक है इसके अलावा तो कोई भी सेल्फ में नहीं है भवेल टर्निंग में भी देखिए यू क्या है एक भवेल है और आई क्या है भवेल है यानी कि यहाँ भी दो भवेल है तो इसलिए इसको दो से गुना किए लेकिन यहाँ पर देखिए कितना भवेल है एक भवेल दो भवेल और आई हो गया तीन भवेल तो यहाँ दो से ना नागुना करके कितना से गुना करना होगा तीन से गुना करना होगा तो तीन से गुना करने के बाद जो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा नोतिया सत्ताईस ठीक है और सताइस देखिए यहाँ पर आंसर में दिया गया है इसका सत्ताईस जो होगा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा तो इसमें क्या कर दिया गया है नंबर ऑफ़ टर्म्स को गुना काउंट कर लिया गया और जितना उसमें भवेल प्रचेंट है उससे गुना करके उसको रिजल्ट निकाल दिया गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक सीरीज़ है और ये देखिए सीरीज़ कभी बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है तो ये डिफरेंस ही पहले निकाल के देखते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है अब देखिए यहाँ पर कितना है एक का जो है डिफरेंस आ गया है फिर देखिए कितना का डिफरेंस हो गया है इसमें जो है एक इंक्रीज़ हो गया है पहले वाले में ठीक है नेक्स्ट वाले में क्या है आठ डिक्रीज़ कर गया है फिर क्या हो गया इसमें जो है कितना इंक्रीज़ कर गया आप देखिए इसमें कितना इंक्रीज़ कर गया है सताइस इंक्रीज़ कर गया है ट्वेंटी सेवन इंक्रीज़ कर गया है फिर देखिए डिक्रीज़ कर गया है इसमें कितना डिक्रीज़ कर गया है चौंसठ डिक्रीज़ कर गया है ये समझ में आ रहा है क्या है ये क्या हो गया एक पर क्यू हो गया माइनस ये क्या हो गया दो पर क्यू हो गया ये प्लस कितना सताइस है तो तीन पर क्यू ऐड किए फिर कितना किए चार पे क्यूब कर दिए तो एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा फ़ाइव पर क्यूब होगा फ़ाइव पर क्यूब का अर्थ कितना होगा कितना का डिफरेंस होना चाहिए एक सौ पच्चीस का और 125 इसमें क्या होगा ऐड होगा तो छियानवे में अगर हम 125 हम ऐड कर दिए तो कितना होगा बारह नौ इधर इक्कीस दो दो एक हो जाएगा ठीक है दो सौ इक्कीस जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा छियानवे प्लस इक्कीस कितना होगा तो एक सौ पच्चीस कितना होगा दो सौ इक्कीस ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिलोलिज्म का है इसमें क्या कह रहा है कि कुछ कपड़े जो हैं क्या है पर्दे सम क्लोथ्स आर कटन्स ठीक है ये क्या हो गया क्लोथ्स हो गया सी से और कटन ये वाला हो गया सी से क्या हो गया कटन्स हो गया अब क्या बोल रहा है कि ऑल कटन्स आर फाइबर्स जितना भी कटन है सब जो है फ़ाइबर के अंदर आता है ऑल कटन्स आर क्या हो गया फाइबर हो गया ठीक है तो एक बात इसमें याद रखिए स्टेटमेंट मेरे देखिए कहीं पर नेगेटिव है क्या स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है जब भी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव आएगा और अगर मेरा कंक्लूजन जो है नेगेटिव आ गया तो डायरेक्ट कट कर देंगे क्योंकि तो पॉजिटिव कॉन्क्लूजन का पॉजिटिव स्टेटमेंट का है यदि कथन पॉजिटिव है तो उसका कॉन्क्लूजन भी पॉजिटिव आएगा ठीक है अगर कॉन्क्लू मेरा स्टेटमेंट क्या है नेगेटिव है तो उसका भी कॉन्क्लूजन भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा तो जहां अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है तो डायरेक्टली हम उसको कट कर देंगे या फिर अगर जो स्टेटमेंट है वो अगर पॉजिटिव है और कॉन्क्लूजन क्या है नेगेटिव है, तो है, है, तो है उसको हम क्या करेंगे कट कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट क्या है सारा पॉजिटिव है लेकिन सेकेंड वाला क्या है नेगेटिव दिया है तो इसको डायरेक्टली हटा देंगे ठीक है ये तो होगा ही नहीं अब पहला वाला देखते हैं ऑल फाइबर्स आर क्लोथ्स देखिए फाइबर का जो है इतना दूर तक एरिया है फाइबर का एरिया जो आ गया कहाँ तक आ गया यहाँ तक आ गया फाइबर हो गया और क्लोथ क्या है ये है अगर बोलता कि सम फाइबर्स आर क्लोथ तो ये पार्ट चूँकि दोनों में कॉमन है तो सम फाइबर आर क्लोथ्स तो ये सही हो जाता बट यहाँ क्या दिया गया है कि ऑल फाइबर आर क्लोथ्स ये गलत है ये तो गलत हो गया ठीक है ये क्या हो गया गलत हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया तो दोनों गलत हो गया तो क्या नन का केस बनेगा क्या नन दिस या नन फॉलोस नहीं यहाँ पर देखिए क्या होगा नन का केस नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए कि दोनों अगर कंक्लूजन को देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है दोनों सेम सेम है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इधर सेम है इधर भी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है सेम है और एक जो कंक्लूजन क्या दिया है पॉजिटिव दिया है दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव दिया है तो दोनों में से कोई एक ही होगा ना तो इस तरह के केस में आइदर और का प्रयोग होता है क्या होता है आइदर और तो आइदर और या आइदर पहला वाला होगा कंक्लूजन सही या फिर दूसरा वाला कंक्लूजन सही होगा तो इसमें सही क्या होगा ऑप्शन नंबर जो वन होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलो दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है देखिए यहाँ पर एक जो है ये दिया गया है स्टेटमेंट सेम रिलेशन इसमें ढूंढना है कि किस में है तीन सौ तैंतालीस हम देखते ही पता चल रहा है तीन सौ तैंतालीस किसका है सात पर क्यूब है सात हम कैसे लाए ये जो पच्चीस है इसमें दो प्लस पाँच को ऐड करके साथ लाए अब देखिए किस में इसमें होगा ऑप्शन में तो अगर ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो जैसे चौबीस है तो चौबीस में क्या करते हैं टू प्लस फोर कर दिए सिक्स और सिक्स पर क्या कर दिए क्यूब कर दिए तो इसका रिज़ल्ट कितना आ गया 216 तो यहाँ भी 216 दिया गया तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 23 प्लस ठीक है 23 थ्री प्लस फोर्टी का मतलब क्या है 278 है कैसे करके ये ऐड करके तो इतना आएगा नहीं ये लॉजिकली जो है इसको लाना है आप जो सिंबल है उसको मत देखिए सिर्फ नंबर्स को देखिए डिजिट को उसके देखिए और यूज़ करके बस इतना रिजल्ट लाना है ठीक है तो जैसे तेईस है हम यहाँ ट्वेंटी सेवन कैसे लाएंगे ये देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो नाइन है और थ्री है आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं फोर और टू को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ठीक है फोर टू को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट टू लेफ़्ट तरफ लिखेंगे पहला संख्या को पहला डिजिट से जो है पहला डिजिट को इसके पहले डिजिट से ऐड करेंगे तो फोर गुने टू कितना होगा एट होगा और राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे तो राइट right में पहले लिख दिए एट और नौ दिया सत्ताइस क्या होगा इधर लिखेंगे दो सौ अठहत्तर ठीक है उसी तरह अगर आप देखिएगा यहाँ भी वही चीज़ है चौबीस है ठीक है प्लस है इक्यावन है अब देखिए पहला डिजिट को इसके पहले डिजिट से गुना करेंगे पाँच दुना दस हो गया चार को एक से गुना करेंगे तो यहाँ पर चार हो गया और राइट टू लेफ्ट लिखेंगे ठीक तो है तो यहाँ भी चार सौ दस है ये साथ कुछ भी नहीं है इसको ऐड करके देखिए अठहत्तर है प्लस इकसठ है ठीक है हम क्या करेंगे छः को सात से गुना करेंगे तो ये हो गया बयालीस हमको ऐसे से ऐसे लिखना है <coughs> अब क्या लिखेंगे इस आठ को गुना करेंगे एक के साथ तो आठ रकम आठ इधर लिखेंगे आठ तो आठ सौ बयालीस इसका करेक्ट आंसर होगा कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है यहाँ पर कह रहा है कि आर एट एस का मतलब आर इज द फादर ऑफ एस आर सेवन एस का मतलब आर इज द सिस्टर ऑफ एस आर सिक्स एस का मतलब आर इज़ द ब्रदर ऑफ़ एस आर टू एस का मतलब आर इज़ द वाइफ ऑफ एस इसका मतलब क्या है कि पहला वाला जो है दूसरा वाला का क्या है प्लेशन दिया गया है आर एट एस का मतलब कि पहला वाला आर है तो आर दूसरे वाला का जो है फादर है तो ऐट का मतलब क्या हो गया फादर हो गया इसको याद रखना है सेवन का मतलब क्या हो गया सिस्टर हो गया सिक्स का मतलब क्या हो गया भाई हो गया ब्रदर और टू का मतलब वाइफ हो गया आगे चलिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति एक्सप्रेशन ये जो एक्सप्रेशन दिया गया इनमें एक्स वाई की माता को प्रदर्शित करता है ठीक है एक्स जो है वाई की माता है तो माता होने के लिए जो स्टेटमेंट है यहाँ पर देखिए माता होने के लिए क्या है जैसे कि अगर पहला वाला देखिए आर इज़ द फादर ऑफ एस यानी कि संतान और पिता का यहाँ रिलेशन हो गया और अगर इसको देखेंगे लास्ट वाले को आर टू एस तो वाइफ किसी का वाइफ और पति का रिलेशन है तो वाइफ हस्बैंड और पिता और बच्चे का रिलेशन समझ में आ रहा है तो यहाँ पर बच्चे और माँ का रिलेशन हो सकता है तो हम क्या करते हैं कि पहला वाला चेक करते हैं ठीक है पहला वाला चेक करते हैं एक्स टू एम यानी कि टू का मतलब यहाँ क्या था यहाँ देखिए टू का मतलब क्या है कि वाइफ का है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया पहला वाला को चेक करें एक्स टू एम एट वाई ठीक है टू का मतलब क्या हो गया वाइफ हो गया और पहला वाला दूसरे वाला का वाइफ हो गया तो ये क्या हो गया ये ये जो है पति पत्नी है जिसमें जो है एक्स क्या है पत्नी है फीमेल है और ये क्या हो गया पति हो गया फिर एट का मतलब ये हो गया एम एट वाई है तो एट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर देखिए फादर हो गया पहला वाला दूसरे वाला का फादर है यानी कि एम जो है वाई का फादर है एम क्या हो गया वाई का फादर हो गया वाई का जेंडर नहीं पता है हमको कि क्या है मेल है कि फ़ीमेल है लेकिन हमको यहाँ क्या पूछ रहा है कि एक्स वाई की माता है एक्स जो है एम की पत्नी है और वाई का पिता कौन है एम है इसका मतलब क्या हो गया कि वाई के पिता की पत्नी वाई का कौन हो गया मम्मी ना लग गई माता ना लग गई ठीक है तो पहला वाला क्या होगा ये स्टेटमेंट क्या प्रदर्शित करता है कि एक्स वाई का माता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या है एक सीरीज़ दिया गया है इस सीरीज को फिल करना है तो ये सीरीज जो है एक लॉजिकल सीरीज़ है और इसको कैसे फिल करना है पहले हम इसमें क्या करेंगे काउंट कर लेंगे जितने भी लेटर भरे जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ठीक है तो इसमें कितना है पंद्रह लेटर है तो अब पंद्रह लेटर को क्या करना है ग्रुपिंग करना है कैसे ग्रुप कर सकते हैं हम पंद्रह लेटर को तो पंद्रह लेटर को हम लिख सकते हैं अगर पाँच पाँच लेटर का ग्रुप बनाएंगे तो तीन लेटर का ग्रुप बनेगा तीन ग्रुप बनेगा पाँच पाँच लेटर का या फिर तीन तीन लेटर का एक ग्रुप लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना बनेगा पाँच लेटर बनेगा ठीक है तो पहले हम हाँ मैक्सिमम जो है लेटर लेकर ग्रुप बनाते हैं यानी कि पाँच लेटर लेकर तीन ग्रुप बनेगा ठीक है तो पहला वाला को अगर लेखते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना होता है पाँच पाँच का ग्रुप बनाना है तो ये हो गया पाँच फिर ये यहाँ पर हो गया पाँच अब देखिए यहाँ पर हो गया पाँच तो देखिए कैसे भरना है यहाँ पर लास्ट वाले में क्यूज है पहले वाले में ही क्यूज है ठीक है जैसे ये कौन सा ग्रुप हो गया ये पहला ग्रुप हो गया ये दूसरा ग्रुप हो गया और ये तीसरा ग्रुप हो गया पहला और तीसरा ग्रुप का जो अंतिम दो जो सं आ, अल्फाबेट है वो क्या है क्यू और जेड है तो सब में QZ होगा तो यहां भी होगा क्यू और यहाँ पे होगा कितना जेड हो गया इधर भी QZ। अब देखिए तीसरा वाला का पहला दो आई जे है तो आई जे यहाँ भी भरा जाएगा यहाँ भी आई जे हो गया यहाँ भी आई जे हो गया ठीक है तो दूसरा वाला कंप्लीट हुआ आई जे के क्यूजेड अब देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा के हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा के हो जाएगा ठीक है तो ये देखिए तीनों जो है सेम ग्रुप बन गया ठीक है तीनों जो है सेम बन गया आई जे के क्यू जेड दूसरे वाले में आई जे के क्यू जेड और तीसरा वाला में भी आई जे के क्यू जेड चूँकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है इसको आसानी से बना सकते हैं लेकिन इसमें भी डिफरेंट फॉर्मेट का भी क्वेश्चन आता है ठीक है तो इसमें क्या जे और के भराया स्टार्टिंग में तो ये तो होगा नहीं ये भी नहीं होगा और लास्ट में देखिए सी और डी में जे के पहले है लेकिन लास्ट में जो है के भरे हैं तो के किस में है के थर्ड वाला में सी वाला में है तो सी नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर आठ व्यक्ति बैठा हुआ है केंद्र की के मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठा है एक वृत्ताकार मैच की चारों ओर बामवर्थ दिशा में बैठे हैं बामोवर्थ का अर्थ क्या हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज ठीक है बामोवर्थ का मतलब क्या हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है बैठा हुआ है ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या है ठीक है और सभी क्या सेंटर की ओर फेस कर रहा है ये देखिए आठ लोग का जगह बना दिए आठ लोग का जगह बना दिए अब क्या बोल रहा है डायरेक्शन के बाद देखेंगे तो ये क्या हो गया ये देखिए इस तरह का आठ डायरेक्शन इधर भी होता है ये हो गया नॉर्थ ये हो गया ईस्ट ये हो गया साउथ इधर हो गया वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर सेकेंड स्टेटमेंट को देखेंगे बैठाते हैं अगर ठीक है हमको बताना है कि ये दो स्टेटमेंट जो है इसका यूज़ करके क्या हम बता सकते हैं कि कौन उत्तर दिशा में होगा तो अगर सेकेंड वाला देखते हैं तो जी इज़ सिटिंग साउथ ईस्ट तो साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सा होगा ये होगा जी होगा तो जी कहाँ पर होगा साउथ ईस्ट में यहाँ पर है ठीक है अब देखिए क्या है बी एंड ई आर नॉट adjacent टू इच अदर बी और ई e क्या है अगल बगल नहीं बैठा है तो अगर बी आप यहाँ बैठाते हैं मान लीजिए तो ई e यहाँ भी नहीं बैठेगा सॉरी अगल बगल नहीं बैठेगा यानी कि e ई जो है कहाँ नहीं बैठेगा यहाँ नहीं बैठेगा और ई e जो है तब यहाँ भी नहीं बैठेगा ठीक है तो हमको पूछना है कि कौन नॉर्थ डायरेक्शन में जो है फेस कर रहा है तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर फ़ेस कर रहा है तो नॉर्थ डायरेक्शन में फ़ेस करने के लिए किधर ऊपर की ओर फ़ेस करेगा इस तरह करके यहाँ पर कौन बैठेगा ये हम दोनों से नहीं बता सकते हैं कि बी और ई e का बहुत सारा पोजिशन है लेकिन अगल बगल नहीं होगा भी ठीक है तो हम दोनों में से किसी में से नहीं बता सकते हैं कि इस जगह पर कौन बैठेगा नॉर्थ की ओर कौन फ़ेस करेगा ठीक है यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ये डी नंबर कि कथन वन और कथन टू जो है पर्याप्त नहीं है ठीक है सेकेंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है हाइट का कंपैरिजन यहाँ पर तो कह रहा है कि द हाइट ऑफ सेवन बॉयज बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स एंड बी सेवन इज़ कॉम्पेयर्ड दे ऑल हैव डिफरेंट हाइट सबका जो है डिफरेंट डिफरेंट हाइट है बी टू इज़ टॉलर देन बी वन एंड बी बी सिक्स बी सेवन इज़ शॉटर देन बी थ्री एंड बी फोर बट टॉलर देन बी फाइव ठीक है फिर क्या कह रहा है बी फाइव इज टॉलर देन ओनली थ्री बॉयज़ तो यहाँ देखिए ये स्टेटमेंट जो है बी फाइव इज टॉलर देन ओनली थ्री बॉयज़ बी फाइव जो है केवल तीन से ही बड़ा है ठीक है तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि बी फाइव जो है ये केवल तीन से ही बड़ा है तो एक हो गया दो हो गया तीन हो गया तो टोटल व्यक्ति कितना है सात तो यहाँ तो चार हो गया और तीन का और जगह बना लिए ये सात हो गया ठीक है अब क्या बोल रहा है कि बी थ्री इज़ द टॉलेस्ट ठीक है यानी कि बी थ्री जो है सबसे कहाँ पर होगा ऊपर में होगा बी थ्री इज़ द टॉलेस्ट तो बी थ्री मेरा यहाँ हो गया फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है बी सेवन इज़ शॉर्टर देन बी थ्री एंड बी फोर B7 सेवन शॉर्टर है छोटा है B3 और B4 से लेकिन B5 से जो है बड़ा है यानी कि B7 जो है B5 के ऊपर होना चाहिए लेकिन B3 और B4 के नीचे होना चाहिए तो B3 तो मेरा एक यहाँ का ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक तो B4 फोर यहाँ पर दे दिए और दूसरा क्या दे दिए यहाँ पर B7 दे दिए ठीक है यहाँ पर क्या दे जैसे यहाँ पर क्या हो गया यहाँ देखिए यहाँ लिखते हैं बी हो गया ठीक है यहाँ पर लिखते हैं देखिए ये हो गया जैसे बी थ्री हो गया फिर क्या हो गया बी फोर हो गया फिर बी सेवन हो गया फिर यहाँ पर क्या है बी फाइव हो गया ठीक है तो ये तो हो गया यहाँ तक फिर नीचे में क्या करा है ये वाला बी टू इस टॉलर देन बी वन एंड बी सिक्स यानी कि बी वन बी सिक्स से ऊपर क्या होना चाहिए बी टू होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए यहाँ पर बी टू हो गया फिर नीचे में जो है ये बी वन या बी सिक्स होगा और ये बी सिक्स या फिर बी टू होगा ये कन्फर्म नहीं है यही सब है ठीक है ये समझ में आ गया तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी बॉयज़ आर शॉर्टर देन बी फोर बी फोर से कितना छोटा है और बी टू से कितना लंबा है तो बी फोर कहाँ हो गया बी फोर हो गया ये वाला और B2 हो गया ये वाला तो यहाँ पर देखिए B1 वन और बी के बीच में क्या B7 और B5 आ रहा है ठीक है B7 और B5 आ रहा है यानी कि दो ही जो है B5 और B uh, किसके बीच में है B4 के बीच में B2 और B4 के बीच में कितना लड़का है दो लड़का है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थाट्स